हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुख्यमंत्री गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत ने की सोजत में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभा। पाली जिले में नगर पालिका चुनावों के मद्देनजर सोजत नगर पालिका के कांग्रेस के प्रत्याशियों के समर्थन में रामेलाव तालाब स्थित आम सभा का आयोजन किया गया। इस आम सभा में कांग्रेस के पार्षद उम्मीदवारों को जिताने हेतु AICC सदस्य व RCA अध्यक्ष वैभव गहलोत ने जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र की ये अपने संभाग में पहली चुनावी सभा थी। वैभव गहलोत को सुनने आसपास के सैकड़ों गांवों से ग्रामीण पहुंचे। वैभव गहलोत ने वर्तमान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं कांग्रेस महामारी में किए गए सुंदर व्यवस्थाओं का जिक्र किया, साथ ही क्षेत्रवासियों को कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने का आह्वान कर कड़ी से कड़ी मिलाने का आग्रह किया। कांग्रेस की आम सभा में पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़, पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजीज दर्द, महिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नीलम बिड़ला, कांग्रेस के कई वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ता सहित नगर पालिका के कांग्रेस के उम्मीदवार व वार्डों के मतदाता मौजूद रहे। जागरूक टीवी के लिए सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।